हेलो फ्रेंड्स, प्राचीज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रवा उत्तपम। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, आधा कटोरी कटी पत्ता गोभी, आधा कटोरी कटी शिमला मिर्च, आधा कटोरी कटे टमाटर, आधा कटोरी कटे प्याज, एक कटोरी दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और बेकिंग सोडा। हम एक बाउल लेंगे, इसमें अपनी सूजी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दो चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा, आप इनो का भी यूज़ ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमारी सभी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक नॉन स्टिक तवा गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें घी लगाएंगे और बैटर को, उत्तपम के बैटर को तवे पे डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फैलाएंगे। अब हम इस बैटर पे हमारी मिली जुली सब्जियों को डाल देंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस करके उसके ऊपर भी घी डालकर थोड़ी देर के लिए पकने। जब उत्तपम नीचे से पक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।